सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोटवानी ने इंदौर नगर निगम पर पैसे खर्च करने के आरोप लगाते हुए कहा कि छोटी छोटी नदियों के वर्षा जल निकासी को नाला ट्रैपिंग के नाम पर पाइपों से पाट कर शहर डुबाने का कार्य किया जा रहा है, जिसका अवलोकन शनिवार को उषागंज छावनी क्षेत्र का किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोटवानी ने उषागंज छावनी स्थित क्षेत्र का अवलोकन किया और बताया कि बारिश हर साल आती है, लेकिन इस बार प्री मानसून में ही इंदौर में जलजमाव की स्थिति निर्मित हो गई थी, क्योंकि इंदौर नगर निगम द्वारा पूरी नदियों को नाला बना दिया गया है, सीवरेज डालकर उसको के साथ प्लान कर रहे हैं। इंदौर के GPO बापट चौराहा, MBI अस्पतालों, मधुमिलन चौराहा और छावनी चौराहा पूरा क्षेत्र ढलान का है, जिससे थोड़ा सा भी बरसात का पानी आता है तो यहाँ जमा हो रहा है। सीवरेज के नाम पर नौटंकी की जा रही है, आने वाले समय में शहर को डुबोने का काम करेगी। आपको बता दें कि इसके पहले इंदौर के लिए 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ बारिश के चलते इंदौर शहर में पानी जल जमाव नहीं हुआ था, क्योंकि नदियों के दरवाजे खोल दिए गए थे। वहीं निगम उपयंत्री ने बताया कि छावनी ब्रिज में पहले ओपन ड्रेन था, जिसमें आए दिन बारिश के समय पानी जमा होता था, जिससे गंदगी और मच्छर हो रहे थे, जिसको देखते हुए ड्रेनेज की पाइपलाइन को बढ़ाकर 2 मीटर से पाइपलाइन से कवर किया गया और उसके हिसाब से नाले को मिला जा रहा है, ताकि क्षेत्र के लोगों को गंदगी से निजात मिल सके। पहली बात तो नदियों को हमने पहले नाला बनाया सीवरेज डाल के, और अब हम उस सीवरेज के हिसाब से प्लान कर रहे हैं। वर्षा जो है हर साल आती है और उसने प्रकृति ने लाखों साल में उसकी निकासी के ये दरवाजे बनाए। लगभग जहां हम बात कर रहे हैं अभी GPO चौराहे से लेके बापट चौराहा, MBI, मधुमिलन चौराहा और वापस छावनी चौराहा, ये पूरा एरिया जो है इसका ये ढलान है जहाँ हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, और ये ढलान पे से ये पानी नदी का आगे और 10 फीट 12 फीट चौड़ाई है, जिसको 2 मीटर गोल पाइप से जोड़ रहे हैं, तो पानी यहाँ भराएगा। और पूरे शहर में ये नौटंकी सीवरेज के नाम पर खर्च की जा रही है, जो पूरे शहर को डुबाने का दरवाज़ा बना रही है। बम्बई और दिल्ली और बेंगलोर में जो पिछले साल बारिश आई थी और शहर डूबे थे, और इंदौर ये पहला शहर है जिसमें 37 साल की सर्वाधिक बारिश के बाद भी पिछले साल डूब नहीं आई, क्योंकि हमने नदियों के दरवाजे खोले। अब इनने नाला टेपिंग के नाम पर जो नदियों को बंद किया है, ये पीछे वापस पानी को बैक देंगे और बस्तियों में पानी भराएगा। ये उसका एक उदाहरण आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ लाया था। आज आपने किस किस क्षेत्र में ये मुआयना करके अवलोकन करके? मैं तो कई दिनों से कलेक्टर को समझा रहा था, 3-1 महीने काम भी बंद किया। कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं चलूँगा स्पॉट देखने, 3-1 महीने काम बंद रहा और अचानक फिर ये काम चालू हो गया। अब पैसे खर्च करके और शहर को और ओंदा उलझन में डालना, ये मूर्खता का इंजीनियरिंग से इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। बुद्धिजीवी या पुराने जो लोग हैं उनसे राय मशवरा करके ही काम। नदी सफाई 2014 से हो रही है, 14 से लेके 18 तक हर मीटिंग में मैं मौजूद रहा हूँ। न्यायालय ने मेरी निगरानी में काम करने के लिए कहा था और 100-100 दिन मैं नदी किनारे काम करवाया खड़े होकर। पिछले 2 साल में 1 मीटिंग में प्रशासन ने नहीं बुलाया और मन मर्जी से ओंधा सीधा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको केवल पैसा खर्च करना है। स्मार्ट सिटी और जेनिया ये अपना अमृत में जो पैसा आया है उसको फूकना है, पैसा फूकने और तमाशा देखने का काम चल रहा है। हालात ये रहेंगे तो आने वाले दिनों में इंदौर बिल्कुल, इस साल नाला टैपिंग जितनी हो चुकी है उस मान से 3 से 4 इंच पानी जिस दिन गिरा उस दिन ये शहर डूबेगा, जो पिछले साल 37 साल की सर्वाधिक बारिश के बाद कोई असर नहीं हुआ, ये उसका उल्टा परिणाम आपके सामने आएगा। यहाँ पे जो हमारा छावनी का ब्रिज बना है, यहाँ का पूरा ओपन ड्रेन था, जिसमें आए दिन जब भी बारिश होती थी तो पूरा पानी बाहर आता था और यहाँ पे मच्छर और जो भी गंदगी होती थी नागरिकों को बहुत परेशानी थी। तो ये अप्रूवल जो थी उस हिसाब से हम नियमानुसार काम कर रहे हैं। जो भी यहाँ का ड्रेनेज था, मतलब जो मेन वाटर लाइन थी, उसको 2 मीटर के पाइप से कवर, पहले एक्चुअली जो कैचमेंट एरिया था वो कम था, हमने उसकी लेवल जो है वो बढ़ाया है और उसके हिसाब से हम पूरा उसको नाले में मिला रहे हैं, ताकि यहाँ के नागरिकों को सुविधा रहे, मच्छर और जो भी गंदगी होती है उससे वो निजात पा सके। लेकिन बताया कि यहाँ पर जो भी पूरा ढलान का पूरा सेंटर बना रही है, यहाँ पर अमूमन थोड़े से पानी के चलते यहाँ पर घरों में पानी भर जाता है, तो इसको लेकर भी कुछ तरह नहीं, पहले यहाँ पे पूरी हमने इसका निरीक्षण ही किया था, हमारे कंसल्टेंट्स थे, और निरीक्षण करने के बाद ही हम इस उस पर आए कि कम से कम
500 mm की जगह हमने उसको 1 मीटर नहीं करते हुए 2 मीटर बढ़ाया है, 2 मीटर डाया के पाइप डाले हैं, जिससे ये सुविधा जो परेशानी आती थी वो आएगी नहीं आने वाले समय में। मान के चले कि इस तरह की सुविधा से घरों में बिल्कुल पानी नहीं भराएगा, पानी नहीं भराएगा। मैं अभिनव चौहान हूँ, उपयंत्री, ब्रिज सेल्फ।